नमस्कार साथियों, डॉक्टर ग्रीन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम बात कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ अनिवार्य हिंदी और बोर्ड परीक्षा का जुनून, और उसमें हमने लगभग 5 पेपर की पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 6ठा पेपर, बॉर्डर पर 6ठा, और मिशन 80 में से 80 का लक्ष्य क्या है अपना, 80 में से 80 का है। बात करते हैं, और आज का पहला प्रश्न आपके सामने, ये निर्देश है, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखिए 12 MCQ आ रहे हैं, हर समय बात की थी पढ़ने कितने MCQ आ रहे हैं, 12 MCQ आ रहे हैं। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, कॉलम बना के लिखना है, अपन बात की थी। कैसा आपको क्या करना है, एक ऐसा कॉलम बनाना है, ऐसे कॉलम बनाने हैं आपको, और इसमें क्या करना है आपको, अपने विकल्पों का चयन करना है, ऐसे कॉलम बना देने हैं। इसमें लिखना है आपको प्रश्न संख्या, क्या लिखना है आपको, प्रश्न संख्या, इधर आपका विकल्प जो उत्तर आ रहा है, और उस विकल्प में क्या है उसका विवरण देना है यहाँ पे, ठीक है, आसानी से देना है। पहला प्रश्न देखिए कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए बच्चे चमकीले इशारों में क्या करते हैं, कहाँ से आया है पतंग, कहाँ से आया ये पतंग, कविता से, दे रखा इसमें कहाँ से, ये पतंग कविता से आया, कहाँ से आया भाई, पतंग कविता से है, कहाँ से ये पतंग कविता, आलोक धनवा से आया है, दुनिया रोज बनती है, ठीक है। और इसमें दिया है पतंग उड़ाते हुए, पटाखे छुड़ाते हुए, जोर जोर से सीटियां या किलकारियां मारते हुए, तेज आवाज में संगीत गाते हुए, क्या होगा इसका, स, जोर जोर से सीटियां बजाते हुए। तो प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, पहला आंसर क्या हो जाएगा, स, और स में क्या आ रहा है उसमें डाल देना है। दूसरा प्रश्न है, खिलखिलाते बच्चों को हंसी कब गूंज उठती है, कहां से आया है प्राग गोरखपुरी, कहां से आया ये प्राग गोरखपुरी से है। और जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर क्या करती है, लोका देती है, क्या देती है, लोका देती है, तो कौन सा हो जाएगा, स हो जाएगा। जब माँ बच्चे को क्या देती है, लोका देती है, तब बच्चा क्या करता है, हंसी से गुज उड़ता है। तो प्रश्न का दो का भी क्या होगा, दो का भी स होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, हृदय थाम लेता संसार, हृदय थाम लेता संसार, ठीक है, पंक्ति किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, पूंजीपतियों का, शोषित वर्ग का, किसानों का, या श्रमिकों का, कहां से आया है यह जो प्रश्न है आपका, वो कहां से आया है, बादल राग से, कहां से है ये, बादल राग से। और हमने बात की थी कि किसकी रचना है ये निराला जी की रचना है, किसकी रचना है ये, निराला जी की रचना है, निराला जी की रचना है। और इसमें कहा है कि दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग, और जब बादल गर्जना करता है तो क्या होता है, जो पूंजीपति वर्ग होते हैं क्या हो जाते हैं, वो अपना हृदय थाम लेते हैं, क्या हो जाएगा इसमें, पूंजीपति क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। फिर बढ़ते अगले, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस रचना में किया गया है, ठीक है, पढ़ा था अपने धर्मवीर भारती की रचना थी इंद्र सेना वाली, मेंढक मंडली वाली, कौन सी थी, काले मेघा पानी दे, और रचनाकार कौन थे इसके, धर्मवीर भारती, कौन थे इसके, धर्मवीर भारती इसके रचनाकार थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ रहा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है, कहां से आया है, जाति प्रथा कहां से आई, अंबेडकर साहब का एक लेख था, ठीक है, परंपराओं को, श्रम विभाजन को, मनुष्य की रुचि को, या सामाजिक स्तर को, क्या होगा इसमें भाई, पांचवा प्रश्न है, किसको मानता है, श्रम विभाजन को। अपने उदाहरण दिया था कि अगर अपन को किसी काम को व्यवस्थित करना है या सुचारू रूप से करना है तो क्या करना पड़ेगा, कार्य को आपस में बांटना पड़ेगा, और बांटते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि कार्य उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। देखिए शीर्ष के फुल पाठ में लेखक ने किसे, किसके खोखलेपन को उजागर किया है, कहां से आया है, तो देखिए सांस्कृतिक खोखलेपन को, सामंती वैभव विलास के खोखलेपन को, ऐतिहासिक खोखलेपन को, या मानव मन के खोखलेपन को, तो कौन सा होगा, कौन सा होगा बताओ भाई, 6ठा प्रश्न देखिए किस, कौन सा होगा, 6ठा प्रश्न होगा सामंती वैभव विलास के खोखलेपन को, ऐतिहासिक खोखलेपन को नहीं होगा साथियों, शीर्ष का फूल है, ठीक है। वर्तमान समय में राजनीतिक नेताओं पर प्रसंग किया था, किस पे किया था, राजनीतिक नेताओं पर किया भाई, ध्यान रखना इसका, तो क्या होगा इसका, ब होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, बोली या उपभाषा में साहित्य क्यों नहीं लिखा जाता है, जो बोली होती है, जो भाषा होती है, उसमें साहित्य क्यों नहीं लिखा जाता है, तो देखिए उसका व्याकरण नहीं होता है, बिल्कुल सही होता, ठीक है, उसका शब्दकोश नहीं होता है, बिल्कुल सही है भी, ठीक है, वह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, वो बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर, शब्द का अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता किसमें होती है, अभिष्ट का मतलब होता है वास्तविक, अर्थ को पहुंचाने वाली शक्ति किसमें होती है,
शब्द शक्ति किसमें होती है? शब्द शक्ति में होती है, संधि में तो होती नहीं, जानते हैं, रसों में भी नहीं होती है, रसों में तो क्या करता है, वो भाव ग्रहण करता है, तो किसमें होगा? शब्द शक्ति में होगा। काव्य से, इस अलंकार से क्या आती है? सुंदरता आती है। क्या आती है इसमें? सुंदरता आती है। और शब्द शक्ति से क्या होगा? उसके वास्तविक अर्थ तक पहुंचते हैं हम। ठीक है, अगले प्रश्न है, उत्पादन का सिद्धांत नहीं है, जो संपादन होता है, जो संपादक कार्य करता है, उसका सिद्धांत कौन सा नहीं है? तत्वों की शुद्धता, निष्पक्षता, संतुलनहीनता या वस्तुपरकता? ये संतुलनहीनता लिखा है, नेगेटिव है, क्या है? नकारात्मक है, और कभी नकारात्मक बातें नहीं हो सकती है, तो कौन सा होगा? ये सही होगा, संतुलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। संतुलन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, फिर बढ़ते हैं, टेलीविजन कार्यक्रम में कौन सा प्रसारण सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है? सीधा प्रसारण, सिनेमा प्रसारण, राजनीतिक प्रसारण या चिकित्सा प्रसारण? कौन सा होगा? जो लाइव आता है वो क्या होता है आपका? वह आपके उत्तेजना को जन्म देता है। हम देखते हैं टीवी पर बहुत सी बार क्या करते हैं, लाइव साक्षात्कार आता है, जब दो नेता आपस में क्या करते, बैठे बैठे, ठीक है, आपस में क्या करते, कटाक्ष करते हैं, और कटाक्ष से क्या हो जाता है कि वह एक बहुत बड़े द्वंद्व का रूप ले लेता है, वो तो घर चले जाते हैं, जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो साक्षात्कार ले रहा है, उनका कोई नुकसान नहीं है, उनके पीछे जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आपस में उत्तेजित हो जाते हैं। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर, जो कहाँ से आएगा? वितान से। कहाँ से आया है? वितान से है। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बहरेला स्वर की तरह गुराता है पंक्ति में, बहरेला स्वर किसे कहा गया है? रतनपा को। किसको कहा गया था? रतनपा को। कौन थे रतनपा? उसके दादा थे। कौन थे? उसके दादा थे। और नाम क्या था उसका? रतनपा। क्या नाम था उसका? रतनपा नाम था। किसने कहा था? माँ ने। किसने कहा था? माँ ने कहा था। जब लेखक ने अपनी पढ़ाई की बात माँ से छेड़ी, तब माँ ने कहा कि तू तो जानता है कि जैसे पढ़ाई की बात करते हैं तो वह जो तुम्हारा दादा है वह बहरेले स्वर की तरह क्या करता है? वो मारता या घुराता है। फिर देखिए मोहनजोदड़ो कौन से काल के शहरों में सबसे बड़ा एवं उत्कृष्ट था? कौन सा था? पाषाण काल। कौन सा था? पाषाण काल का था। ये 12 प्रश्न थे, और 12 प्रश्न कितने नंबर के थे आपके? एक एक नंबर के थे। 12 × 1 कितने हो जाएंगे आपके? 12 हो जाएंगे। क्या हुआ भाई? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान में कितने हैं आपके? 6 × 1 और कितने हो जाएंगे आपके? 6। बाजार एक जादू है, वह जादू आपकी राह का काम करता है, वाक्य में शब्द शक्ति है, वास्तविक अर्थ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? लक्षणा। क्या हो जाएगी इसमें? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। साथियों बढ़ते हैं आगे, कोई बोली जब व्यापक रूप में प्रयुक्त होती है, उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो बोली क्या हो जाती है? भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? वो भाषा बन जाती है। जब बोली का क्षेत्र क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, जब उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा है, ठीक है, जैसे गुजराती भाषा है, तो क्या है आपकी? बड़े स्तर पर बोली जा रही है। वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता भिन्न अर्थ निकालता है, और कौन सा अलंकार होता है? प्रकोक्ति होता है। कौन सा होता है? प्रकोक्ति होता है। अपने उदाहरण दिया था कि जब भगवान कृष्ण राधा से मिलने गए, किसे मिलने गए? राधा से मिलने गए, और जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि राधे मैं हरि, तो उसने कहा कि भाई हरि का यहाँ पर क्या काम है? हरि का एक अर्थ क्या होता है? ठीक है, कृष्ण भी होता है और एक बंदर भी होता है, तो राधा ने जानबूझ के कर लिया, बंदर ले लिया, तो क्या होगा? प्रकोक्ति होगा। जहां वास्तविक विरोध ना हो किंतु अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास। क्या आ रहा है? विरोध आ रहा है, तो कौन सा जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा भाई। कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार होता है। दूसरा आ रहा है कौन सा है आपका? श्रव्य दृश्य, हिंदी शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द है ऑडियो विजुअल। क्या होता है? ऑडियो विजुअल होता है। क्या होगा इसका? ऑडियो, AUDIO ऑडियो, और क्या होता है? विजुअल। क्या होता है इसका अर्थ? आगे विजुअल होता है, VISUAL, VISUAL ऑडियो विजुअल, श्रव्य और दृश्य। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है आपका? दृश्य भी है और क्या है? श्रव्य भी है। ये क्या है आपका? कौन सा भाषा माध्यम है ये आपका? क्योंकि दो माध्यम होते हैं, इन्हें बात की थी कि तीन माध्यम होते हैं, एक होता है आपका सिर्फ दृश्य। क्या होता है? दृश्य आता है जिसमें हम देख सकते हैं, जैसे पुस्तक है, पुस्तक क्या है आपकी? दृश्य में आती है, ठीक है। दूसरा होता है, एक होता है सिर्फ सुनने वाला, रेडियो, रेडियो क्या करते हम? सुनते हैं। और तीसरा होता है श्रव्य और दृश्य, जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अभी जो क्लास चल रही है वो कौन सी है? श्रव्य दृश्य में आएगी, और उसे इंग्लिश में कहते हैं ऑडियो विजुअल। क्या कहते हैं उसे? ऑडियो विजुअल कहते हैं। मिसकंडक्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा?
मिस कंडक्ट कदाचार कहता है, कदाचार के लिए आता है। जब कोई बुरा व्यवहार करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मिस कंडक्ट कहते हैं। कदाचार बुराई के लिए किसके लिए आता है, बुराई के लिए आता है। तो ये 6 प्रश्न थे, वो कितने नंबर के आपके, 6 नंबर के होंगे। बढ़ते हैं अपठित गद्यांश पर, और अपठित गद्यांश आपके सामने दे रखा है, इसको पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। जाति जीवन उसकी संस्कृति तथा भूमिगत सीमाबद्ध परिवेश, ये सब समृद्ध रूप से राष्ट्रीयता के उपकरण होते हैं। ये समष्टि रूप से ही आवश्यक उपकरण है, व्यष्टि रूप से नहीं, ठीक है। राष्ट्रीयता ही राष्ट्रीय भावना की पोषक होती है। सिंधी साहित्य कोश में राष्ट्रीयता के संबंध में लिखा है, राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत वह समस्त साहित्य लिखा लिया जा सकता है जो किसी देश की जाति विशेषताओं का परिचायक है। वैसे भूमि उस भूमि पर बसने वाले जन और उसकी संस्कृति, ये तीनों ही सम्मिलित भावना रूप में राष्ट्रीयता के परिचायक हैं। याद रखना, भाई प्रश्न आएगा पीछे। राष्ट्रीयता राष्ट्र शब्द से निर्मित है। इस राष्ट्रीयता का शब्द का सामान्य अर्थ है राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने की भावना। राष्ट्रीयता नेशनलिटी का हिंदी रूप है। एनसाइक्लोपीडिया में नेशनलिटी के बारे में लिखा जाता है कि राष्ट्रीयता मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की सर्वोपरि कर्तव्य निष्ठा राष्ट्र के प्रति अनुभव की जाती है। पढ़ा है, कोई जरूरत नहीं, घबराने जैसी बात नहीं है। गद्यांश से आसान प्रश्न है। तो देखिए, राष्ट्रीयता से क्या आशय लिया जा सकता है, राष्ट्रीयता क्या है, ठीक है, कौन सा होगा बताओ भाई, कहां से लिखेंगे इसका आंसर, कहां से इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए राष्ट्रीयता, या देखो मन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति की सर्वोपरि कर्तव्य निष्ठा किसकी होती है, राष्ट्र के प्रति होती है। यहां से होगा, क्या से होगा, यहां से होगा लिखा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा देखा है, देशभाव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, राष्ट्रीयता क्या होगा, राष्ट्रीयता होगा, क्या होगा इसका, राष्ट्रीयता होगा, क्या होगा इसका, राष्ट्रीयता होता है। देश प्रेम का क्या अर्थ होगा, राष्ट्रीयता, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा भाई। तीसरा है, एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार राष्ट्रीयता क्या है, सेम उत्तर है तीसरा, यहां से यहां तक वापस होगा, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीयता वह है कि राष्ट्रीयता मन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति की सर्वोपरि कर्तव्य निष्ठा राष्ट्र के प्रति अनुभव की जा सकती है। फिर दिया है, राष्ट्रीयता के उपकरण क्या है, क्या राष्ट्रीयता के उपकरण है, कौन कौन से उपकरण क्या है आपके, राष्ट्रीयता के उपकरण है तो कौन से होंगे, ये दे रखा है, पहला भूमि, उस भूमि पर बसने वाले जन, और तीसरा कौन सा है, उनकी संस्कृति। ये सब क्या है राष्ट्रीयता के, जानक क्या हुआ, ये सब क्या होंगे आपके, चौथा प्रश्न यहां से हो जाएगा भाई। ये सब आता क्या है, राष्ट्रीयता के परिचायक है। फिर दिया है, हिंदी साहित्य कोश में राष्ट्रीयता के प्रति क्या कहा गया है, हिंदी साहित्य वापस से वो आ रहा है, राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत वो समस्त साहित्य लिखा जा सकता है जो किसी देश की जाति विशेषता का परिचायक है। कि आसान प्रश्न है, उत्तर दे रखा है, पढ़ के लिखना है। और नेक्स्ट दे रखा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, राष्ट्रीयता, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता हो जाएगा, या देश प्रेम का महत्व, राष्ट्रीयता का महत्व, एक ही बात है, क्या हो जाएगा इसका, राष्ट्रीयता का महत्व, मात्राओं की गलतियां नहीं हो, राष्ट्रीयता का महत्व, क्योंकि इसमें से आपको देख के लिखना है तो मात्राओं की गलतियां नहीं करें, कोशिश करें कि जैसा लिखा है वैसा लिखें। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर, चौथा प्रश्न है आपका कि अपठित पद्यांश और उसका उत्तर देना है। इसमें भी कितने प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं, कितने नंबर के हैं, 1 नंबर के, कितने हो जाएंगे, 6। हाय रे मानव नियति की दास, हाय रे मानव, हे मानव तो किसका दास है, नियति का दास है, भाग्य का दास है, विधान, ठीक है। हाय रे मनुपुत्र, हाय रे मनुपुत्र, हम किसकी संतान हैं, मनु की संतान हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे, मनु थे, और मनु शब्द में क्या लगा, जो मनु शब्द है उसमें अपत्य लगा तो क्या बना हम, मानव बने, क्या बने हम, मानव बने, तो हमको किसी संतान कहा गया है, मनु की संतान कहा गया है, तो क्या लिखा, हाय रे मनुपुत्र, मनु के पुत्र, क्योंकि हम किसी संतान है, हमारे जो पूर्वज थे वो किसके थे, मनु थे, मनु से इस सृष्टि का विकास हुआ है, ठीक है। अपना ही उपवास, तुम क्या कर रहे हो, अपना मजाक बना रहे हो, अपना हंसी बना रहे हो, ठीक है। प्रकृति की प्रसन्नता को जीत, प्रकृति क्या करना है, प्रकृति की जो प्रसन्नता है उसे क्या करना है, इसको जीतना है, ठीक है। सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, सिंधु यानी क्या होता है, सिंधु जो समुद्र होता है, ठीक है, समुद्र से लेकर आसमान तक आकाश तक सबको किए क्या है, भयभीत किए हुए हैं। सृष्टि को निज बुद्धि से करना हुआ परिमेय, चीरता और परमाणु की सत्ता असीम अजय, बुद्धि के पवन मान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तो किस दिशा की ओर हो निरुपाय,
लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ है या नहीं, यदि जात तो विज्ञान का श्रम क्या है, व्यर्थ है। शीर्षक किसका दिया है, किसकी बात की इसमें, विज्ञान की बात की है। मनुष्य ने नए नए आविष्कार किए और क्या किया है, प्रकृति को जीतने की कोशिश की, प्रकृति की परिभाषा को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कितना भी कर लें तुम किसके दास हो, नियति के दास हो। तो इसमें वो दिया है, पहला प्रश्न देखिए, जा रहा तू किस दिशा की ओर, इस पंक्ति में कवि ने क्या कहा है, तू किस दिशा में जा रहा है, इसमें कवि ने क्या कहा है, बताओ भाई। आधुनिक काल में, वर्तमान समय में हम नए नए क्या कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, और हम वो आविष्कार क्या कर रहे हैं, हमारे विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी इसमें दिखा होगा आपने, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, नए नए आविष्कार करते जा रहे हैं, जैसे परमाणु बम का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो ये आविष्कार क्या है, मानव जीवन के लिए खतरनाक है, इसका हम परमाणु बम का उपयोग करते हैं और क्या करते हैं, मानव का नाश करते हैं। तो हम क्या जा रहे हैं, मानव नाश की ओर जा रहे हैं। फिर देखिए, यह नहीं यदि ज्ञात, आधुनिक मानव को कौन सी बात ज्ञात नहीं है, कौन सी बात आपको नहीं जाते कि आपको, हम हमारा जन्म किसके लिए हुआ है, मानवता के कल्याण के लिए है। अगर ये तेरे को बात पता नहीं है, लिखा हुआ देखो भाई इसमें, कि जा रहा तो की दिशा में हो निरुपाय, निरुपाय का मतलब होता है जिसका कोई उपाय नहीं होता है, निरुपाय, ठीक है। लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, तेरा क्या लक्ष्य है, तेरा उद्देश्य क्या है, हमारा एक ही लक्ष्य है मानव कल्याण। हम क्या है, मानव कल्याण की भावना होनी चाहिए, मानवता के कल्याण की भावना सर्वोपरि है। तो उसमें कहा है कि तू किस जगह जा रहा है, यदि आपको ये पता नहीं है तो आपका जो विज्ञान का जो श्रम है वो क्या है, व्यर्थ है। तो किसकी बात की है इसमें, जो बात की मानवता के कल्याण की बात की, किसकी बात की है इसमें, जो बात की है मानवता के कल्याण की, मानवता के कल्याण की बात कही भाई, मानवता के कल्याण की बात कही है इसमें। फिर दिया इसने अगला देखो, प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, प्रस्तुत जो काव्यांश दे रखा है इसका केंद्रीय भाव क्या है, हम वर्तमान काल में हम क्या हो रहे हैं, भौतिकवादी होते जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि आराम की वस्तुओं का संग्रह करते जा रहे हैं, जैसे जैसे नए नए आविष्कार होते गए और हम क्या होते गए, उनके आदि होते गए, और वह हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए क्या हो रहे हैं, खतरनाक होते जा रहे हैं। विज्ञान पहले से आविष्कार नहीं थे, अपन बात करें मोबाइल पहले नहीं था, क्योंकि हमारा काम हो रहा था, आज मोबाइल आया है, अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे मानव जीवन क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, हमारे सोचने और समझने की शक्ति को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, क्योंकि आज हम हर काम किससे कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, ऐसे बहुत से हैं। देखिए पहले कुछ नहीं था, फिर भी हम गणना कर लेते थे, घड़ी नहीं थी, ठीक है, हमारे पास घड़ी नहीं थी, फिर भी हमने क्या कर ली, सटीक गणना की है। हमारे पास कुछ नहीं था, कैलकुलेटर नहीं था, फिर भी हमने गणित के परिमेय संख्याओं को सुलझाया है, हमने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया है, लेकिन जैसे जैसे साधन होते गए हम क्या होते गए, और आलसी होते गए। उसका केंद्रीय भाव क्या है, विज्ञान के श्रम को बताया कि विज्ञान प्रगति कर रहा है, लेकिन मानव जीवन के लिए क्या है वो, अगर अच्छा पक्ष नहीं तो उसका क्या है, बुरा पक्ष ले रहे हम। परिवर्तन अच्छा है, लेकिन परिवर्तन जब अपने ऊपर हावी हो जाता है तो क्या होता है, नुकसान करता है। फिर देखिए, प्रकृति की प्रसन्नता को जीत, इस पंक्ति में प्रसन्नता शब्द से क्या अभिप्राय है, प्रकृति की, प्रकृति का रहस्य क्या है, प्रसन्नता का मतलब क्या होता है, रहस्य। आपको क्या करना है, प्रकृति की प्रसन्नता को जीतने का मतलब क्या होता है, इसका रहस्य क्या, इसका क्या राज है, प्रकृति का राज समझना होगा, प्रकृति चाहती क्या है, प्रकृति क्या चाहती है। हम क्या करते हैं, हम प्रकृति को खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, और जब प्रकृति के खिलवाड़ करते हैं तो क्या होता है, जब जब प्राकृतिक आपदाएं आई है, हमको हरा के गई है, जब जब प्राकृतिक जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ कैसे आ रही है, हमने उस क्षेत्र में अपने घर बना लिए, हमने बाढ़ जो नदी का पानी है, नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला है, नदी तो उसी जगह बह रही है जहाँ पहले बह रही थी, लेकिन हमने क्या किया, उस नदी के रास्ते में अपना घर बना लिया, तो पानी कहाँ जाएगा, ठीक है। आज देखा हम बात करते हैं कि हम ये बात सुनने में आता है, अखबार में आता रहता है कि गांव में टाइगर आ गया, चीता आ गया, तेंदुआ आ गया, तो वो तेंदुआ यहाँ नहीं आया है, हमने जंगल काट दिए, हमने क्या किए, हमने जंगल काटे हैं, पेड़ काटे हैं, जो उनका आवास था हमने उसका क्या किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, तो वो कहाँ रहेगा, उसके भी तो रहने के लिए जगह चाहिए, फिर वो आपके उधर आ रहा है, पहले आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, उसका परिणाम क्या हुआ है कि प्रकृति जब अपने पर आती है तो किसी को नहीं छोड़ती है। फिर देखिए, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, इस पंक्ति में क्या अर्थ है, सिंधु से वैज्ञानिकों ने जमीन से लेकर आसमान तक क्या किए, नए नए आविष्कार करके लोगों को क्या किया है, भयभीत किया है। हम देखा होगा आप, ये हमने चंद्रयान 3 का प्रयोग किया था और हम कहाँ गए थे, चंद्रमा पे गए थे, तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जिसने कहा है कि विज्ञान के नए नए आविष्कार से उसने धरती से लेकर आसमान को क्या किया है, भयभीत किया है। और अंतिम है, कवि ने विज्ञान का श्रम कब व्यर्थ बताया है, जब उसका उद्देश्य मानवता का कल्याण
नहीं होता है तो उसका उद्देश्य क्या है? व्यर्थ है। जब उसका उद्देश्य मानव कल्याण की भावना नहीं है तो उसका जो विज्ञान है उसका श्रम क्या है? व्यर्थ चला जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन घबराना नहीं है, इसके इसको दो बार पढ़ना है, फिर प्रश्नों को पढ़ना है, प्रश्न क्या कह रहा है, तो आपको शिक्षक की समस्या आती है, वो शिक्षक भी कोशिश करना है कि इन प्रश्नों में से निकालना है, कौन सा प्रश्न बार बार उस पर पूछा जा रहा है, हमको उस पर चर्चा करनी है। इस पूरे पेपर में अगर कोई प्रश्न आपको थोड़ा सा मुश्किल में डालेगा तो कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि पद्यांश होता है और अपठित है, और अपठित क्या करता है? थोड़ी सी समस्या पैदा करता है। बढ़ते हैं खंड ब पे। खंड ब में पहले 5 प्रश्न आएंगे जो कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के होंगे। और पहला प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों के लाभ बताइए। जो जनसंचार के माध्यम है उनका क्या लाभ है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्या है पहला? क्या है इसका? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना, ठीक है। दूसरा, लोगों को शिक्षित करना। लोगों को क्या है? लोगों को शिक्षित करना, इसका उद्देश्य है, लाभ है। ये भी क्या है इसका? लाभ है, शिक्षित करना। भ्रष्टाचार को कम करना, क्या करना? भ्रष्टाचार को कम करना, ये भी क्या है इसकी? लाभ है। सरकारी कामकाज पर निगरानी करना, क्या करना है? सरकारी कामकाज पर क्या करना इसकी? निगरानी करना। तो सरकारी कामकाज होते हैं उन पर क्या करना है आपकी? निगरानी कामकाज पर निगरानी करना। आज हम इंटरनेट के माध्यम से हम सूचना के अधिकार के तहत हम सरकार के किसी भी कार्य को देख सकते हैं कि इस पर कितना बजट पास हुआ है और उन्होंने कितनी पारदर्शिता है, कितना खर्चा किया है, क्या नहीं किया है। हम क्या करते थे? सूचना के अधिकार के तहत हम देख सकते हैं। मनोरंजन करना भी क्या होता है इसका उद्देश्य? भ्रष्टाचार को कम करना, ये भी होता है। और सबसे बड़ा उद्देश्य होता है लोकतंत्र को मजबूत करना। क्या होता है इसका? लोकतंत्र को मजबूत करना होता है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य का लाभ होता है लोकतंत्र को मजबूत करना। जो लोकतंत्र है उसको क्या करना है? मजबूत करना, इसका लाभ है। फिर देखते हैं बड़े प्रश्न पर। मैं वह खंडहर का बाहर ली फिरता हूं, आत्म परिचय कविता की इस पंक्ति का आशय बताइए। कहां से आया ये? हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन ने किसकी बात की थी? जब वह अपनी पत्नी के साथ था, अपनी प्रियतमा की सुखद यादों का वर्णन किया है। अब उसकी पत्नी उसके पास नहीं रही, वह भगवान को प्यारी हो गई, तो जब भी उसे उसकी याद आती है तो अब क्या रह गए? सिर्फ वो अवशेष रह गए हैं। तो इसमें उसने अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रियतमा के साथ बिताए गए उन लम्हों को, उन पलों को याद किया है, और उन पलों को क्या रह गया? अब सिर्फ अवशेष रह गया है। जैसे कोई महल होता है, जैसे कोई किला होता है, जैसे हमने बात की थी मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात की थी, अब वहां पर क्या बचा? सिर्फ अवशेष रह गए हैं, जहां पर कोई लोग नहीं रहते हैं और उसके कुछ चिन्ह रह जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अवशेष कहते हैं। इसमें वह हरिवंश राय बच्चन अपनी प्रियतमा के साथ बिताए गए उन सुखद लम्हों का क्या कर रहे हैं? जिक्र कर रहे हैं, उसका उतारे हैं, और उनको क्या होता है अपने खंडर कहा है। बढ़ते हैं, जिजिन के त्याग और उद्धान के विषय में क्या विचार थे? काले मेघा पानी दे, बताया था उन्हें, सीधी सी बात की थी अपन ने, बताओ क्या बताएगा? त्याग वह है, त्याग क्या है? वह है जिस वस्तु की हमको भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी सामने वाले को है, और हम अपने ठीक है हिस्से को छोड़कर किसी को क्या करते हैं? वस्तु दान देते हैं, तो वो क्या है? त्याग है। जिस वस्तु की हमको भी उतनी आवश्यकता है जितनी क्या है? सामने वाले को हो, और उस वस्तु को आप क्या करते हो? दान देते हो, दूसरों को दे देते हो, तो वो क्या है? त्याग है। और जीजी ने भी बताया था, जिसने क्या बताया था? जिसने बताया था कि ऋषि मुनियों ने भी किसकी बात की है? दान की बात की है। और उसमें कहा था किस प्रकार से किसान ठीक है क्या करता है? कुछ अपने अच्छे जो बीज होते हैं उसे क्या करता है? उसका वह खेतों में डालता है, उसे क्या कहते हैं? बुआई कही उसने, ऐसा पूरा। तो जो चीज अपन को भी उतनी जरूरत है जिसकी सामने वाले को जरूरत है, और हम अपनी हिस्से को कम करके हम उसको क्या करें? दान दे रहे हैं, तो क्या है? त्याग है। अगर हमारे पास बहुत कुछ है और उनमें से कुछ दे रहे हैं तो त्याग नहीं है, वो क्या नहीं है? त्याग नहीं है। आपके पास 3 रोटी थी और आपको भी 3 रोटी की भूख है, और सामने वाला के कोई रोटी मांगता है और आप अपने हिस्से की भूख को कम करके उसको क्या दे रहे हो? रोटी दे रहे हो, तो वो त्याग है। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 रोटियां पड़ी थी ठीक है, वो बची हुई है, और आप उसमें से किसी को 2 रोटी या 5 रोटी दे रहे हो, तो वो त्याग नहीं है। वो क्या नहीं है? वो त्याग नहीं है, वो तो वैसे क्या जा रही थी? व्यर्थ जा रही थी। फिर देखिए अगला, अनंत काणेकर की कविता को लेखक द्वारा मास्टर की अपेक्षा अच्छा पढ़ने पर मास्टर ने क्या किया? कहां से आया भाई, याद आया कुछ? झूझ कहानी से। कहां से है? झूझ कहानी से आया हुआ है ठीक है। झूझ कहानी से हमने पढ़ा था, तब आया था कि किस प्रकार से मास्टर जी ने ठीक है उसे
कौन सी कविता थी इसकी भाई, इसने कौन सी कविता को सुनाया था? चांद रात पसीरते पंडरी, पंडरी गया दणीवरी। इस कविता को जब उसने अपने ही लहजे में गाया तो जो लेखक थे, जो मराठी के अध्यापक थे, कौन? नवा सोंदलगेकर, बहुत खुश हुए, उसे शाबाशी थी और उसे क्या किया, साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। उसे क्या किया, उसको साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। और ये कविता उसने मास्टर जी से भी क्या की थी, अच्छे लय ताल और अभिनय के साथ सुनाई। जब कोई छात्र अध्यापक से भी बेहतरीन तरीके से कोई करता है तो उस अध्यापक क्या होती है, बड़ी खुशी होती है। तो जो उसके मराठी के जो अध्यापक थे नवाब सोंदलगेकर, उनको बहुत क्या हुई, खुशी हुई और उन्होंने क्या किया, उसको साहित्य की दुनिया में प्रेरित करवाया और कविता लिखने के लिए क्या उसको प्रेरित किया। फिर अगला है, खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति के संबंध में पुरातत्वविद मार्टिमर विलर ने क्या कहा था, गलत पंडे, कि यह दुनिया की आज तक जितनी भी सभ्यताओं की खुदाई हुई है उसमें क्या है, यह एकमात्र मूर्ति है जो यहाँ से प्राप्त हुई है। और यह अभी वर्तमान में कहाँ पर ये स्थित है, वर्तमान में ये जो दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वहाँ पर क्या ये सुरक्षित है। और इस मूर्ति के माप की कोई दूसरी मूर्ति आज तक प्राप्त नहीं हुई है। जो नर्तकी की मूर्ति हुई, नर्तकी का मतलब क्या होता है, नाचते हुए लड़की की मूर्ति है भाई। जब इसकी खोज की गई तो यहाँ पर एक ऐसी मूर्ति मिली जिसमें एक लड़की क्या कर रही थी, नाचते हुई है, ठीक है, जैसे भगवान शिव की नटराज की मुद्रा होती है वैसे लड़की क्या थी, नाचते हुए की एक मूर्ति मिली है। और इसके बेजोड़ माप की कोई दूसरी मूर्ति दूसरी जगह से प्राप्त नहीं हुई है। और वर्तमान समय में इसको दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वहाँ क्या किया, उसको संभाल कर रखा गया है। फिर हम बात करेंगे अगले भी, अगला प्रश्न है, ठीक है, खंड सा आ गया है, कितने नंबर के आए, तीन अंक के, कितने अंक है भाई, तीन अंक के हैं। और प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, 10 से 13 के उत्तर 60 से 80 शब्दों में देने हैं और नंबर कितने इसके आपके, तीन नंबर का है भाई। देखिए, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता, उषा, उषा कौन सी कविता, ये उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, ठीक है। और दूसरा दिया है कि अमर मोहम्मद अपाज कविता में कवि ने किस तरह के बाजारीकरण को प्रस्तुत किया है और कैसे, कहाँ से आया है, रघुवीर साय की रचना है। हम पहले की बात कर लें, किसकी बात कर लें, हम पहले की बात कर लें, तो पहले में क्या कहा है कवि ने, देखिए, ठीक है, हमने पढ़ा था, इस बात की थी कि किस प्रकार से जो उषा कविता पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी अपने, उषा कविता पढ़ी थी, कौन सी कविता थी, उषा कविता किसकी है, यह आपकी शमशेर बहादुर सिंह की, किसकी है, शमशेर बहादुर सिंह की है। शमशेर बहादुर सिंह की हमने एक कविता पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, उषा कविता, कौन सी कविता थी उसकी, उषा कविता थी। और क्या बताया था इसमें, कुछ उपमान दिए थे, ठीक है, इसने पहला क्या दिया था, आसमान को कैसा बताया है, नीले शंख के समान, कैसा है, ठीक है, जो आसमान था, आसमान को नीले शंख के समान बताया है, नीले शंख के समान बताया है, समान बताया है, ठीक है, दूसरा बताओ, ठीक है, दूसरा बताइए भाई, राख में लिपा हुआ चोखा बताया, क्या था उसको, राख में लिपा हुआ, राख में लिपा हुआ चोखा बताया भाई, राख में लिपा हुआ चोखा बताया है। फिर देखा होगा आपने इसमें लेखक ने जो घर पर अपने जो अपने मसाला कूटने का जो सिलबट्टा पत्थर होता है उस पत्थर पर जो मिर्ची लग जाती है कैसा लगी हुई होती है उसका प्रयोग किया है। फिर अगला बताया है कि किस प्रकार से जैसे किसी काली प्लेट स्लेट पर काली जो पट्टी होती है उस पट्टी पर किसी ने लाल चौक से क्या कर दिए कुछ एरो कर दिए हैं और किसी उस नीले आसमान में ऐसा लग रहा है किसी जो घोर रंग की कोई नव युवती है क्या करी वो झिलमिला रही है। ये पांच उपमान बताए, कितना बताए, पांच, पहला आसमान को नीले शंख के समान बताया है, दूसरा आसमान को लिपा हुआ चौका के समान बताया है, तीसरा बताया है कि जिस प्रकार से अपने घर पर जो सिलबट्टा होता है मसाला कूटने का जो पत्थर होता है उसके समान बताया है, चौथा बताया है कि किस प्रकार से किसी बच्चे ने अपनी पार्टी पर लाल चौक से क्या कर दिया है कुछ निशान बना दिए हैं और अगला बताया है कि उसमें गोरे रंग की कोई नवयुवती क्या कर रही है उसमें चिलमिला रही है। फिर हम बात करें अगला, तो एक प्रश्न की बात की थी अपन ने, एक प्रश्न की बात की थी, देखिए, कैमरे में बंद अपाइस, कैमरे में बंद अपाइस, कैमरे में बंद अपाइस को किस तरह के बाजारीकरण को बताया है बताइए, किस प्रकार से उसने कहा कि उसको लाया गया, उसके उसे प्रश्न पूछे गए जो वास्तव में मानवता के अनुकूल नहीं है, उसे पूछा गया क्या आप अपाइज हो, जब कोई व्यक्ति अपाइज है आप उसे ऐसे प्रश्न पूछते हो तो क्या है मानवता के अनुसार नहीं है। फिर पूछा गया उससे क्या
आप अफाइज हो तो आपको अफाइज होना दुख देता होगा। वास्तव में अगर कोई इंसान ऐसा है उसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, उसे तकलीफ होगी। तो आप अफाइज कैसे हैं, अफाइज क्यों हैं, आपका अफाइजपन दुख देता होगा। और चाहता है कि क्या करे, वो रोए कहीं उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। और लास्ट में उसने क्या कहा कि तुम पर्दे की कीमत नहीं जानते हो। और ऐसा कहकर उसने क्या किया, उसको बंद कर दिया। इसमें जो मीडिया कर्मी होते हैं उनकी संवेदनहीनता को दिखाया है कि उनमें क्या होती है, कोई मानवता नहीं होती। उनका उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ बाजारीकरण है। उनका उद्देश्य क्या है, सिर्फ पैसा कमाना है। अपनी जो TRP है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपका, अगला देखिए, दो कन्या रत्न पैदा करने पर लक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा का उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की क्या होती है, दुश्मन होती है। क्या होती है, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत है? बिल्कुल हम इससे सहमत हैं। हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जहाँ पर देखा जाता है कि एक महिला ही क्या होती है, एक महिला की दुश्मन होती है। घर में देखा जाता है कि सास और बहू होती, कौन होती है, सास और बहू होती है। सास और क्या होती है, बहू होती है। दोनों क्या है, दोनों महिलाएं होती है। जैसे नमन बात करें, ननंद भी बात कर सकता हूँ, किस बात कर सकता हूँ मैं, ननंद की बात भी कर सकता हूँ। ठीक है, और हमसे देखते हैं कि दरअसल अखबारों में आता है या हम आस पास देखते हैं कि किस प्रकार एक सास अपनी बहू को क्या करती है, प्रताड़ित करती है या उसको अपमान करती है, उसको मारती पीटती है। और क्या करती है, ननंद भी इसमें क्या करती है, सहयोग करती है। जबकि वास्तव में क्या है, तीनों क्या है, तीनों महिलाएं हैं, तीनों क्या है, महिलाएं हैं। तो जब के बाद कहा गया कि एक महिला ही क्या होती है, एक महिला की दुश्मन होती है। वो मेवाड़ी में कहावत भी है कि जात जात कभी गंगा जी नहीं जाते हैं। जात जात क्या होते हैं, कभी गंगा जी नहीं जाते हैं। एक डिब्बे में मेंढक रख दिए गए और कहा कि इसके बाहर निकलना है। सब मेंढक क्या करते, आपस में खींचते रहे। कोई अपनी जाति का अगर बड़ा हो जाए तो उनको क्या होता है, दुख होता है, उसको बड़ा नहीं करना चाहते हैं। इस वास्तव में सही बात है कि महिला ही क्या होती है, महिला की दुश्मन होती है। और इसके उदाहरण दे दिए हमने कि हम आए दिन ही पढ़ते आते हैं कि किस प्रकार से ननंद और बहू ने मिलकर सास और बहू ने मिलकर क्या किया, ननंद को प्रताड़ित किया, जला दहेज के लिए जला दिया। ठीक है, या उसको मारा पिटा गया, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया। सारी बातें किससे आ रही है, यहीं से आती है। अगर सास समझ ले कि जैसी बहू है वैसी बेटी भी है, या जैसी मेरी बेटी है वैसी बहू भी है, तो सारी समस्या क्या हो जाएगी, अपना आप समाप्त हो जाएगी। किस प्रकार भक्तिन के जब तीन पुत्रियां हो गई, क्या हो गई, तीन पुत्रियां हो गई और एक पुत्र नहीं हुआ, तो किस प्रकार से जिठानियों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया और सास ने क्या किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। ऐसी घटनाएं हम आसपास भी देखने को मिल जाती है। फिर देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। इसमें बताया था कहाँ से आया भाई, ये अम्बेडकर जी का है। कहाँ से आ गए, अम्बेडकर जी का है, जाति प्रथा का। ठीक है, और तीन बातें की थी, समानता पर आधारित होना चाहिए, समता पर आधारित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए उसमें। ठीक है, तीन बातें बात की थी। अगर हम श्रम का विभाजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रुचि अनुसार होना चाहिए। और उसका आधार क्या, ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ऊंच नीच की भावना होनी चाहिए। आप जाति प्रथा को अपना रहे हो, जाति प्रथा जब अच्छी बात है, अगर उसका विभाजन किसके अनुसार है, श्रम के अनुसार है। लेकिन जब वो जाति प्रथा किसी के अंदर भेदभाव का भाव पैदा करती है तो जाति प्रथा क्या है, अच्छी बात नहीं होगी। अगर हम किसी जाति के आधार पर, ठीक है, उसको कहें कि तुम निम्न जाति का है और तू उच्च जाति का है, तो ये जाति प्रथा क्या है, सही नहीं है। जाति प्रथा तब सही हो जाती है कि जब उसके बंटवारे से कार्य क्या होता है, आसानी से किया जा रहा है। और वो जाति प्रथा अगर सुरुचिपूर्ण भी है, हमने उदाहरण दिए थे कि किस प्रकार से जाति प्रथा आज के वर्तमान समय में खतरनाक होती जा रही है, कि एक व्यक्ति अपना पेशा बदलकर दूसरा पेशा नहीं कर सकता है, चाहे वो उसके लिए रुचिकर हो या नहीं हो, चाहे उसके लिए उतनी उसको इतनी आय मिल रही है कि जिससे वो अपने परिवार का गुजारा कर सके, फिर उसको क्या करना है, मजबूरी में वो पेशा अपनाना ही पड़ेगा। और हमने बहुत से उदाहरण दिए थे ऐसे, हमने ऐसे बहुत से उदाहरण बात किए थे कि गाँव में, विशेष तौर से शहर में नहीं ऐसा, लेकिन गाँव में क्या होता है, आज भी इस बात को देखा जाता है कि अगर गाँव में कोई होटल खोलता है, ठीक है, अगर वो होटल खोलने वाला निम्न जाति का है तो वह उसकी होटल पर क्या होगा, उसके व्यापार पर क्या होगा, असर पड़ेगा। अगर वही होटल कहाँ खोलेगा, वो शहर में खोलेगा, तो उसके होटल के ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा जितना असर कहाँ पड़ता है, गाँव में पड़ता है। ठीक है, हम बहुत सी बातें और देखते हैं कि हम गाँव में देखते हैं कि जो नीची जाति का आता है हम उसको अपने साथ बैठ के भोजन नहीं कराते हैं, हम उसे क्या होते हैं, ऊंचा ऊंचा मानते हैं। ये बातें क्या है, ये बातें लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है। तो बातें की है कि जो जत्थेदारपंत थे, अब इसमें बात किसकी की थी भाई, हमने बात की थी इसमें क्या थे, एक तो थे YD पंत, कौन थे, यशोधर बाबू, कौन थे, एक तो यशोधर बाबू थे, एक तो कौन थे, यशोधर बाबू, और एक तो कौन था उनका परिवार, उनका परिवार। अब इसमें जो यशोधर पंत थे वो किसके हैं, पुरानी पीढ़ी के परिचय,
कि वो अभी भी अपने पुराना ख्यालों को अपने विचारों को बदल नहीं पा रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी और उनके परिवार वालों ने क्या कर दिया, उसको बदल दिया है। तो जब पुराने विचार नवीन पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच जब वैचारिक टकराहट आती है तो उसका सुंदर चित्रण किसमें किया गया है, इस कहानी में किया गया है कि किस प्रकार से वर्तमान समय में जो पुराने विचार के जो लोग होते हैं, जो नए विचार के लोग होते हैं, पुरानी पीढ़ी और नवीन पीढ़ी के बीच में जो अंतर आता है, जो क्या आता है, जो जनरेशन का गैप आ जाता है, उस गैप को दिखाया गया है। और जब ऐसी बातें आती है तो हर छोटी बात में क्या होता है, मतभेद होता है। पुरानी पीढ़ी के लोग चाहते हैं कि हर बात हमसे पूछी जाए, हमसे सलाह लेकर की जाए, ठीक है। और नवीन पीढ़ी के लोग जानते क्या मानते हैं कि अगर जिस बारे में उनको पता ही नहीं है उसके बारे में उनसे क्या बात करनी है। इससे क्या होता है, दोनों में वैचारिक टकराहट को दिखाया है। फिर देखिए जूझ आत्मकथात्मक अंश के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। इसमें संघर्ष को किस बताया, लेखक के संघर्ष को बताया है कि किस प्रकार से अगर आपके अंदर मेहनत है, लगन है और पढ़ने की जुनून है तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके कार्य में क्या कर सकती है, रुकावट डाल सकती है। कि किस प्रकार से हमने देखा था कि जो लेखक था बचपन में उसके पिताजी ने क्या कर दी, उसकी पढ़ाई रोक दी, लेकिन उसके अंदर पढ़ने का जुनून था तो उसने अपनी माँ से बात कर उस गाँव के जो एक सम्मानित व्यक्ति थे दत्ता सरकार से बात की और वापस पढ़ाई में गया। जब विद्यालय गया पहली बार तो उसको क्या हुआ, उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। एक चौहान नाम का लड़का था, उसने क्या किया, उसके साथ थोड़ा सा बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने किस प्रकार से मेहनत करके उसने उस मुकाम को हासिल किया और कविता को लिखना, पढ़ना और उसको आरोह अवरोह गाना, ठीक है। अगर आपके अंदर मेहनत है और जुनून है किसी काम को तो आपकी परिस्थितियाँ आपके आड़े नहीं आती है। अगर हम सोचें कि परिस्थितियाँ खराब है, नहीं, परिस्थितियाँ तो हर इंसान कैसी होती है, लेकिन अगर हमारे अंदर जुनून है, किसी कार्य करने को लगन है, जुनून है, मेहनत है, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो आड़े आ सकती है, हम वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर जुनून नहीं होता है तो हम क्या देते हैं, परिस्थिति का दोष देते हैं कि ये ऐसा समय हो गया था, मैं नहीं कर सका। तो ये लोग कौन करते हैं, जो काम चोर होते हैं और जो काम नहीं करना चाहते हैं वैसा करते हैं, लेकिन जिसके अंदर काम करने की लगन है, मेहनती है और जुनून है, उसके लिए वो लक्ष्य प्राप्त करना क्या है, कठिन नहीं है। और इसमें उदाहरण देना जुनून किसे देना है, लेखक का। 13 प्रश्न की बात करेंगे, 13 प्रश्न क्या है, नदी, कुएं, स्नानाघर और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधुगढ़ सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क देके बताना है, बताओ भाई, ठीक है। हम इसको क्या कह सकते हैं, जल निकासी कह सकते हैं, कहते ये बिल्कुल, हम क्या कहेंगे इसको, बिल्कुल क्या था ये, यह एक जल संस्कृति थी और हमने इसके प्रमाण देखे, क्या देखे हमने, इसके प्रमाण देखे थे। और हमने पहला देखा था स्नानाघर, क्या देखा था हमने, स्नानाघर देखे थे। और जो क्या देखा हमने, स्नानाघर पढ़ा था, बताया था आपको कि जो स्नानाघर है, कौन से, जो स्नानाघर है, बताया था कि वो किस तरह से इस शेप में थे और जिनकी लंबाई कितनी थी, लगभग 40 फीट, चौड़ाई कितनी थी, 25 फीट, और गहराई कितनी थी, 7 फीट उसकी गहराई थी। और फिर उसके पानी को निकालने के लिए, ठीक है, क्या बनी हुई थी, गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी, और नालियां क्या थी, ढकी हुई थी। और इसमें कुंड में उतरने के लिए 2 सीढ़ियां थी, एक अंदर जाने के लिए और एक अंदर निकलने के लिए। फिर हमने दिखा कि जब इसकी खोज की गई तो इसमें क्या मिले, बहुत से कुएं मिले, क्या मिले इसमें, बहुत से कुएं मिले हैं। अगर हमने इसकी बात की थी तो देखा था कि इसमें क्या है, बहुत से, लगभग कितने कुएं मिले, 700 कुएं मिले, कितने कुएं मिले, लगभग 700 कुएं मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि ये क्या थी, जल संस्कृति थी। हमने बात की थी कि अधिकतर जो सभ्यताएं हैं वो किसके किनारे विकसित हुई है, नदियों के किनारे। हम अगर किसी भी सभ्यता की बात करेंगे तो काम नहीं हुए, नदियों के किनारे हैं, किसके किनारे, नदियों के किनारे हैं ये सभ्यता विकसित हुई है, नदियों के किनारे। और कौन सी नदी थी, सिंधु नदी, कौन सी नदी थी, सिंधु नदी बहती थी और उसके किनारे क्या हुआ, इसकी विकास हुआ है। अगर हम किसी की बात करें, जैसे कालीबंगा सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा, उसका विकास कहाँ हुआ है, गंगा नदी के किनारे पर, कौन सी सभ्यता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हनुमानगढ़ के किले में, जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पर एक सभ्यता है, कौन सी, कालीबंगा, कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता। और ये किसके किनारे पर है, यह गग्गर नदी है, उस गग्गर नदी के किनारे पर, गग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, कहाँ स्थित है, गग्गर नदी के किनारे पर, गग्गर नदी के किनारे पर स्थित है भाई, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं कि वास्तव में क्या थी, ये जल सभ्यता थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जितेंद्र बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण से बताइए। उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से वह तो अपने आप को नवीन विचारों में नहीं डाल पाए, ठीक है, लेकिन उनकी पत्नी क्या कर दी, उन्होंने डाल दिया। और 4-5 उदाहरण दिए किस प्रकार से उसकी पत्नी ने बिना ब्लाउज के बाहर का ब्लाउज पहनना शुरू कर दिया, किस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया, अपने बालों में खिजाब लगाना शुरू कर दिया, किस प्रकार से उन्होंने
ठीक है, ऊंची हिल वाले सेंधी पहनना शुरू कर दिए, किस प्रकार से उन्होंने सौंदर्य प्रसादन से अपने मुंह को रंगना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन लेखक ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। ये सारी जो परिवर्तन आए थे जदबाबू की पत्नी में, उनकी किसका योगदान, उसकी बेटी का और उनके बेटों का योगदान था। ठीक है, फिर अगर बात करें अपन, अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों में मिलावट एक चुनौतीपूर्ण विषय है, आलेख लिखना है, ठीक है ना, वर्तमान समय में मिलावटी वस्तुएं आ रही है, मुझे क्या करना है आपको लिखना है, और दूसरा क्या है पिक्चर क्या है, किसी भी घटना का रोचक एवं मनोरंजक प्रस्तुति क्या है, पिक्चर है, किसी भी घटना की रोचक एवं मनोरंजक प्रस्तुति क्या है, पिक्चर है। अगर मैं इसकी बात करूँ, थोड़ी सी बात कर लूँ, और बताइए इसने पिक्चर समाचार में कोई तीन अंतर बताइए, अगर हम इसकी देखते हैं तो देखिए, पहला तो पिक्चर क्या है, पहला तो पिक्चर क्या है, पिक्चर क्या है, किसी भी घटना की, किसी भी घटना की रोचक एवं मनोरंजक प्रस्तुति क्या है, पिक्चर है, मनोरंजक प्रस्तुति क्या है, पिक्चर है भाई, प्रस्तुति क्या कहलाती है, पिक्चर कहलाती है। अब इसने पूछा है कि पिक्चर में और समाचार लेखन में क्या अंतर है, ठीक है, तो देखिए इसमें बताओ कोई बताएगा क्या अंतर है, बताओ भाई पिक्चर और लेखन में क्या फर्क है, बताओ पिक्चर और इसमें क्या है समाचार, बताइए भाई क्या अंतर है दोनों में, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है बताइए, पहला अंतर बात की थी कि जो समाचार होता है वो किसमें लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली में, किसमें लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली, और ये किसमें लिखा जाता है, सामान्य शैली में, क्या होता है सामान्य शैली में, कौन शैली में, सामान्य शैली में। दूसरा, समाचार का उद्देश्य क्या होता है, तत्काल घटित घटनाओं की जानकारी देना होता है, क्या होता है तत्काल घटित घटनाओं की जानकारी देता है, भाई क्या होगा इसमें, जो तत्काल जो घटनाएं घटी है, तत्काल घटी घटनाओं की जानकारी देना, जैसे कल क्या देश में क्या हुआ उसकी जानकारी कौन देता है, समाचार देता है, जबकि पिक्चर नहीं देता है भाई, क्या देता है, पिक्चर नहीं देता है, क्या देता है इसमें, पिक्चर नहीं देता है, पिक्चर क्या करता है आपको, ठीक है, रोचक को मनोरंजन बताता है भाई, ठीक है, और बताओ कौन सी विषय, एक अंतर चाहिए, एक और चाहिए भाई बताओ, जो पिक्चर होता है वो पुरानी घटना पर लिखा जाता है, ठीक है, समाचार क्या लिखा जाता है, नवीन घटनाओं पर, ठीक है, ये कौन सी घटना होती है इसमें, इसमें कौन सी घटना होती है, पुरानी घटनाएं हो सकती है, और ये क्या होता है आपकी घटनाओं पर, और ये कौन सी घटनाओं पर है, नवीन घटनाओं पर, समाचार अगर पुराने लाओगे, ठीक है, तो उसे कोई पढ़ेगा भी नहीं, यानी कहते उसको कोई पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है पिक्चर और समाचार में ये फर्क है, दोनों में क्या है, ये अंतर है कि समाचार जो होता है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, पिक्चर ऐसा नहीं लिखा जाता, सामान्य शैली में लिखा जाता है, दूसरा इसकी काम क्या होता है, तत्काल घटित घटनाओं की जानकारी देना होता है, इसका ऐसा नहीं होता है, और इसमें दूसरा क्या होता है, इसमें जो पुरानी घटनाएं होती है जानकारी होती है, इसमें कौन सी होती है, नवीन घटना है, कल देश में क्या हुआ उसकी बात पता नहीं है, अगर आज से 5 साल पहले क्या हुआ वो अखबार में नहीं आता कभी भी, ठीक है, लेकिन हम पिक्चर में लिख सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन करना होता है, जबकि इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों को सही तथ्य को पेश करना होता है, ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला शमशेर बहादुर सिंह अथवा हजार प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लिखा सकी, लिखवा रखा है इसको, तो बताओ क्या होगा इसका बताइए भाई इसका, बताइए भाई इसका क्या होगा, किसको याद है, शमशेर बहादुर सिंह, कौन सा है शमशेर बहादुर सिंह, बताओ भाई कुछ जानता है इसके बारे में, कौन थे ये, उन्होंने क्या बताया था, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके पिता का नाम क्या था, तो देखिए भाई बताओ क्या होगा, आप सभी जानते हैं उसके बारे में, तो लिखे हम बात करें किसकी, शमशेर बहादुर सिंह की, जन्म कब हुआ इसका, 13 जनवरी 1911 को, कब हुआ इसका जन्म, 13 जनवरी 1911 में, जन्मस्थान कौन सा था, 1911 कहाँ हुआ था, देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में, कि देहरादून कहाँ हुआ था, देहरादून में, पिता का नाम क्या था इसके, तारिफ सिंह, क्या नाम था इसके पिता का नाम, पिता का नाम क्या था, तारिफ सिंह था, पिता कौन थे, तारिफ सिंह थे,
माता कौन थी? परम देवी। कौन थी इसकी माता? माता थी इसकी परम देवी थी। माता कौन थी इसकी? परम देवी थी। पर इनकी पत्नी का नाम था धर्म देवी। क्या नाम था इनकी पत्नी का? नाम पत्नी का नाम क्या था इसका? धर्म देवी था भाई। उनका एक भाई था, ठीक है? क्या था इनके? एक भाई था। नाम क्या था बताओ भाई? एक भाई था इनका। क्या नाम था उसका? उनका एक भाई था तेज बहादुर। क्या नाम था उसका? तेज बहादुर। उनके एक भाई था और दोनों भाइयों ने तेज बहादुर, पहले ये दोनों भाई विज्ञान के विद्यार्थी थे और बाद में इनका रुझान किससे हो गया? चित्रकला में हो गया। इन्होंने कलकत्ता गए और कलकत्ता में इन्होंने जो उकिल बंधु थे उन उकिल बंधु से क्या किया उसने? इन्होंने ड्राइंग की शिक्षा प्राप्त की थी। इनका रुझान किसकी तरफ था? प्रारंभ में क्या थे? साइंस के विद्यार्थी थे। प्रारंभ में ये विज्ञान के विद्यार्थी थे। प्रारंभ में विज्ञान के विद्यार्थी, विज्ञान के विद्यार्थी थे भाई। और बाद में इनका रुझान किसकी तरफ हो गया? चित्रकला की तरफ हो गया था। बाद में क्या बना इन्होंने? इन्होंने उकिल बंधुओं से, किससे? उकिल बंधुओं से। कहाँ से? कलकत्ता में। उकिल बंधुओं से इन्होंने चित्रकला सीखी। दोस्त क्या सीखी इन्होंने? चित्रकला सीखी थी भाई। क्या सीखी इन्होंने? चित्रकला सीखी थी। कहाँ से सीखी इन्होंने? उकिल बंधुओं से। और बताओ भाई इनकी रचनाएं बताइए, इनकी रचनाएं बताइए, सब लिखवा रखा है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? बहुत सी रचनाएं पढ़ी थी आपने, बताओ भाई कौन सी रचनाएं थी? अमन का राग, पहली कौन सी थी? अमन का राग, अमन का राग। दूसरी बताओ भाई, ऐसी बहुत सी रचनाएं लिखवा रखी है, ठीक है? काल तुझसे होड़ है मेरी, कौन सी थी? काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, होड़ है मेरी। और बताइए भाई, काल तुझसे होड़ है मेरी, ठीक है? टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी हुई, ऐसी बहुत सी रचना है। चुका भी नहीं हूं मैं, कौन सी नहीं थी? चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं। आए प्रश्न में, ठीक है? ऐसी रचनाएं थी। इनको कवियों का कवि कहा जाता है, कहा जाता है इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है। ऐसी बहुत सी बातें लिखवाई थी, ठीक है? इन्होंने जो उषा कविता है किस प्रकार से प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है उसका जिक्र करना है। बढ़ते हैं, समय कम है इसलिए इतनी बात नहीं करेंगे इस पर। आप पठित निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। एक पद्यांश है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना फला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। ठीक है, कविता की तुलना किससे की गई है? फूल से की गई है। किससे की गई है? फूल से की गई है। इन्होंने बात की थी तो पहले क्या आएगा इसका? प्रसंग आएगा। क्या आएगा इसका? प्रसंग आएगा। कि प्रसंग क्या है इसका? ठीक है, तो क्या आएगा प्रसंग में? पुस्तक का नाम क्या आएगा? पुस्तक। कौन सी पुस्तक थी आपकी? आरोह भाग दो, आरोह भाग दो। ठीक है, पाठ कौन सा था? पाठ कौन सा है? कविता के बहाने। कौन सा था? कविता के बहाने। कवि कौन है इसके? कवि कौन थे? कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। कौन से काव्य संग्रह से ली गई है इनके? कौन से काव्य संग्रह से ली गई बताओ भाई? यह इनके कौन से काव्य संग्रह से ली गई है बताओ भाई जल्दी से। कौन से था? इन दिनों। कहां से ली गई है? इन दिनों से ली गई है। काव्य संग्रह कौन सा था इनका? इन दिनों। और इसमें किसके बारे में बताया? कविता की तुलना किससे की है? फूलों के फूलों से की गई है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो क्या होगा इसमें? किस कवि में, इस पद्यांश में कवि ने जो कविता है उसकी तुलना किससे की है? फूलों की गई है। लेकिन फूल की क्या होती है? एक निश्चित सीमा होती है। फूल अपनी सुगंध उसी दिशा में लाता है जिस दिशा में हवा चल रही होती है। फूल कुछ समय खिलता है फिर क्या हो जाता है? मुरझाकर गिर जाता है। लेकिन कविता ऐसी नहीं है। कविता क्या नहीं होती है? कभी भी मुरझाती नहीं है। वह जितनी पुरानी होती है उतनी क्या होती है? अधिक अच्छी हो जाती है, अधिक प्रसिद्ध हो जाती है, अधिक खिलती रहती है। तो यहाँ पर कवि ने कविता की तुलना फूलों से की है, लेकिन कविता की तुलना फूलों से नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर क्या आएगा? विशेष आएगा। विशेष में क्या आएगा आपका? विशेष में आपका भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है, कविता की तुलना की है। ठीक है, रस कौन सा बताना भाई? और नीचे दूसरा दिया है, दूत को अवधूत को राजपूत को झुलाहा कहो, कहो कहो की बेटी सो। कहाँ से है? तुलसीदास। कहाँ से है? तुलसीदास से आया है। कहाँ से? ये तुलसीदास से है। और इसकी भाषा कौन सी होगी? ब्रज होगी। कौन सी होगी इसकी? इसकी ब्रज भाषा है भाई। ठीक है, कौन सा होगा इसकी? ब्रज भाषा है। कहाँ से लिया गया ये? कवितावली से। कहाँ से? ये कवितावली। लेखक कौन है इसके? कवि कौन है? तुलसीदास। कौन है इसके?
तुलसीदास हैं, और इसमें कवि ने, तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है, इसमें उस समय जो फैल रही थी वह जाति प्रथा पर, बात किस बात की है, जाति प्रथा पर, कि दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, चुराहा कहो, आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे किससे कोई काम नहीं है, मैं राम का दूत हूँ और राम क्या मेरा नाम है, अपन एक कर लिया है, एक करना है कोई सा भी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्तसंग व्याख्या कीजिए। एक शीर्ष एक अद्भुत अवधूत है, दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, ना उदो का लेना ना माधो का देना, जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब ये हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं, मौज में आठों या मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्र ने मुझे बताया कि यह श्रेणी उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से रस अपना रस खींचता है, जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल जंतुजाल और ऐसे सुकुमार कैसर को कैसे उपजा सकता है। ठीक है, कहाँ से आया है, आरहो भाग दो शीर्ष के फूल से, लेखक कौन है इसके, हजार विशा द्विवेदी है, और कहाँ से लिया गया ये, कल्पलता से, कहाँ से लिया गया, कल्पलता से लिया गया है, बात की थी अपन ने जब पढ़ाया था तब बात की थी, और शीर्ष की तुलना किससे की है, अवधूत से, किससे की है, अवधूत से की गई है, जो मोह माया से अलग होता है वो क्या है, शीर्ष जैसा होता है। फिर दूसरा है का, पर उस जादू की चक्कर से बचने का एक सीधा सा उपाय है, यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन से न जाओ, कहाँ से है, बाजार दर्शन से, लेखक कौन है इसके, जैनेन्द्र। ठीक है, और इसमें उतारा खाए कि जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार की सार्थकता किसमें है, जब हमारा मन खाली हो और जेब भरी हो तो हमको क्या जानना चाहिए, बाजार नहीं जाना चाहिए, उस समय वो सब वस्तुएं आती है जो हमारे काम की नहीं होती है, और उस समय क्या होता है, जो पैसे जो चीज़ें आती है क्या आती है, पैसे पैसों के हिसाब से आती है, और वह हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, ऐसी बातें बाजार वालों को क्या करती है, बढ़ावा देती है। ठीक है, इसमें कोई बात खास बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी विद्यालय को विद्यार्थियों निमित्त की निमित्त स्वास्थ्य जांच का आग्रह किया गया हो, कौन सा पत्र है, अर्थशास्त्रीय पत्र, फॉर्मेट बता दिया था मैंने आपको, ये कैसा फॉर्मेट होगा, सबसे पहले क्या आएगा, लिखने वाले का एड्रेस आएगा, क्या आएगा, लिखने वाले का पता, फिर जिसको लिखा जा रहा है उसका पता आएगा भाई, ठीक है, फिर क्या आएगा, आपकी दिनांक आएगी, फिर क्या होगा, ठीक है, महोदय, और महोदय में क्या होगा, अर्थशास्त्रीय पत्र में एक अलग होता है, क्या आएगा, प्रिय आएगा, आएगा प्रिय आएगा, प्रिय, ठीक है, नाम होगा उसका नाम आएगा, फिर उसके बारे में जो बता रखा है उसको लिखना है, और नीचे भावधेय, ठीक है, नाम और हस्ताक्षर, क्या होगा, नाम और हस्ताक्षर होगा, ठीक है, और फिर तीसरा देखा है, कार्यालय आयुक्त जनस्वास्थ्य एवं अभियंत्रिक विभाग की ओर से ग्रीष्मकालीन जल वितरण की व्यवस्था हेतु आम सूचना संबंधी कर दी, एक विज्ञप्ति, क्या बनानी है आपको, विज्ञप्ति बनानी है, क्या बनानी है आपको, विज्ञप्ति कर लोगे आराम से, कोई खास बातें नहीं है, ठीक है, समय का अभाव इसलिए बात को समझा देते, और अगला आया निबंध लिखना है, कितने शब्दों में, 300 शब्दों में, आपको एक छोटा सा क्या करना है, आपको निबंध लिखना है कितने शब्दों में, 300 शब्दों में, इंटरनेट क्रांति वरदान या अभिशाप, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों का दायित्व, और बढ़ते वाहन घटता जीवन गण, और बालिकाओं के लिए यौन शिक्षा का महत्व, चारों अच्छे टॉपिक हैं और चारों पर हम बात कर सकते हैं। निबंध का तरीका ध्यान रखना, पहले क्या आएगा, प्रस्तावना, क्या आएगा, प्रस्तावना आएगा, दूसरा क्या होगा, मध्य भाग, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा आपका, उपसंहार, क्या आएगा आपका, उपसंहार आएगा, तो बिल्कुल बड़ी शांति से पेपर को पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, आप किसी विषय पर लीजिए, हम उससे भी बात कर सकते हैं आराम से, जैसे इंटरनेट क्रांति वरदान या अभिशाप, तो दोनों पक्ष बताने में इसकी अच्छी बातें भी है और बुरी बातें भी है, कोई चीज़ बनती है तो उसके अच्छे भी होते हैं और क्या होते हैं, उसके बुरे भी होते हैं, जैसे उदाहरण दे सकते हैं अपन कि वर्तमान समय में इंटरनेट आया तो तत्काल सूचनाओं का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया, हम यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, आराम से वीडियो कॉल पर बात कर सक रहे हैं, तो ये किसकी देन है, इंटरनेट से हैं, अगर हमको कुछ भेजती है तो हम ईमेल के माध्यम से तुरंत क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, ये किसकी देन है, इसकी देन है, लेकिन इसका अभिशाप भी है, हमारे पर बुरा असर भी डाला है, हमारी सोचने और समझने की शक्ति को क्या किसने क्षीण कर दिया है, हम हर चीज़ क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करने की कोशिश करते हैं, हमको कुछ चीज़ नहीं आती क्या करते हैं, हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं, हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि इसका उत्तर निकाला जाए, इसका तो ढूंढा जाए, ठीक है, हमने क्या कर दिया है कि जितनी चीज़ सुविधाएं बढ़ती गई हम क्या हो गए, आराम पसंद हो गए, पहले भी जब नहीं था तभी काम हो रहे थे, अभी हैं लेकिन काम हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, इसने हमको आलसी बना दिया, क्या बना दिया इसको, आलसी बना दिया है इंटरनेट के द्वारा। हम अगर इस वरदान की बात करें तो इसमें देखा होगा व्यापार को गति मिली है, गति मिली, व्यापार को गति मिली है, किस प्रकार से हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन कोई चीज़ मंगा सकते हैं, देखा होगा हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ये किसकी बदौलत हुआ है, इंटरनेट के, मोबाइल की बदौलत नहीं हुआ भाई, कौन सा है, इंटरनेट है, क्योंकि मोबाइल में कब चलेगा, जब नेट होगा तब, जब नेट नहीं होगा तो मोबाइल डिब्बा है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, कर लोगे आराम से,
आज की क्लास को यहीं विराम दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे।